ओम शांति। और बहुत बहुत आप सबका भी स्वागत है दिल्ली से। भारत की दिल्ली ही राजधानी बनेगी तो राजधानी से संपर्क करना अच्छा होता है। सो आप सबने सुबह सुबह, जैसे यहाँ का तो सुबह 6 बजे हैं, 6:05 हो रहे हैं, 5:07, और आपके यहाँ का शाम का मंगलवार का टाइम है। सो रूपाली बहन ने बहुत अच्छे से सारी चीजों को मैनेज किया है। तो सबसे पहले शिव बाबा को हम थैंक्स करते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले इस बात को ज्यादा फोकस करेंगे हम सभी कि ये जो ज्ञान शिव बाबा ने हमें दिया, ये ज्ञान बहुत गहरा है, बहुत डीप है, इसलिए शायद बहुत धीरे धीरे दिया गया। आपने देखा होगा 86-87 ईयर्स हो गए और अभी भी हम डेली कुछ नई चीजों को फाइंड करते हैं, नई चीजों को ले आते हैं लाइफ में। तो डेफिनेटली ये ज्ञान भी ऐसा है कि जो हर पल हमको कुछ नया दे रहा है, कुछ अलग चीज दे रहा है। इस बात को समझने के लिए जैसे बाबा ने हमको दो चीजों की विशेष नॉलेज दी, विशेष सबसे पहले दो चीजों पर फोकस किया। पहला दिया देह का नॉलेज दिया, दूसरा देही का नॉलेज दिया, सबसे बेस्ट और सबसे क्यूटेस्ट। क्योंकि बहुत सारी दुनिया में हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, लेकिन इस चीज की गहरी नॉलेज से हमको फायदा क्या हुआ? दो चीजों पर ही हमको आज फोकस होके चलना है। हमको बाबा ने देह की नॉलेज दी, देही की नॉलेज दी। जैसे एक बाहर का साइंस है कि ये जैसे इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, फैन चल रहा है और लाइट जल रही है, एसी चल रहा है, ये हमारा एक बाहर का साइंस है जिसको हम अब बहुत अच्छे से जानते भी हैं और उसको फील भी करते हैं। लेकिन एक हमारे अंदर का साइंस है, वो ये है कि मुझे सुख दुख क्यों होता है, मुझे दुख सुख क्यों होता है। सो मेडिटेशन या ज्ञान या समझ या अंडरस्टैंडिंग या कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस, ये इसके फॉर्म हैं। ये हमको पाने से क्या फर्क पड़ता है, क्या अंदर से चेंज आता है, वो ये है कि मुझे इस चीज का पता चलेगा कि मुझे सुख दुख क्यों होता है। ये है नॉलेज का सबसे बड़ा बेस। तो शिव बाबा ने, परमात्मा ने हम बच्चों को इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस किया, देह और देही। अब इसको हम थोड़ा सा वर्ल्डली एग्जाम्पल्स लेके समझते जाएंगे और उसको फील भी करते जाएंगे। जैसे हम इस वर्ल्ड में किससे बात करते हैं, ज्यादातर हम बात जब कर रहे होते हैं तो सबके स्टेटस से बात कर रहे होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति लॉयर है, एडवोकेट है, या कोई इंजीनियर है, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कोई कुछ भी है, सो आप उसको जब देखते हैं तो ऑटोमेटिक जो उसने अपने अंदर अचीव किया है, अटेन किया है, उसको देखकर हम बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। और इस वर्ल्ड में इस बात की हमको नॉलेज है, अगेन पावर ऑफ नॉलेज टर्म है, तो हम इस टर्म को पकड़ के रखेंगे। इस बात की हमको समझ है कि ये आईएएस या इंजीनियर या डॉक्टर या फिर कुछ भी, ये बना है, मतलब ये है नहीं, ये बना है। तो जो चीज इस वर्ल्ड में बनाई जाती है वो बिगड़ जाती है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। तो जो चीज आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी, हम उससे बात कर रहे हैं। आप देखो इससे क्या होगा, इस वर्ल्ड में हम जिससे भी मिले, आज तक जिससे भी मिले, जब हमने उनके पद से, पोजीशन से और इन चीजों से बात की, तो हमको क्या रिसीव्ड हुआ है, हमको क्या उनसे मिला है। लेकिन शिव बाबा ने आके इसको ब्रेक किया, कहा शरीर के द्वारा जो कुछ भी तुमने अटेन किया, जो कुछ भी तुमने अचीव किया, जो कुछ भी तुमने पाया है, वो डिस्ट्रक्टेबल है, पेरिशेबल है, डिविजिबल है, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो सोल है, जिसके अंदर सामन कोर क्वालिटीज हैं, और ये सामन कोर क्वालिटीज आप डेली फील भी करते होंगे, जो शिव बाबा ने हमको नॉलेज दी, इसकी समझ दी, इसकी अंडरस्टैंडिंग दी,
कि आपको ये जो सेवन कोर क्वालिटीज है यही आप हैं, बेसिकली ये आप हैं, और इसके अलावा जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो आप नहीं है। सो जो हम नहीं है ना, जब उस चीज पर हमारा फोकस होता है तो हमको बुरा लगता है। अब देखो, चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर हो, कुछ भी हम, चाहे वो घर में काम कर रहा हो, चाहे हाउस वाइफ है, चाहे कोई प्रोफेशनल है, सभी की लाइफ में दो चीजें तो है ना, कि जब वो ऑफिस में किसी के साथ हो रहा है या घर में किसी के साथ हो रहा है, दोनों जगहों पर उसको एडजस्ट करना पड़ता है या उसको मैनेज करना पड़ता है। सो मैनेज जब वो कर रहा है, तो उस मैनेज करने में एक बात उसके सामने आती है, वो ये है कि हर पल वो इस बात को लेकर फील करता है कि मुझे कौन सी बात से बुरा लगता है, किस बात से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, किस बात से मैं परेशान होता हूँ। सो जब मुझे सोल की नॉलेज मिली, तो इस नॉलेज से क्या हमको मिला? कहते हैं सोल को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, कहते हैं एस फॉर सोर्स, ओ फॉर ऑफ, यू फॉर यूनिक, एल फॉर लाइट। सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, मतलब एक वर्ड है इसमें लाइट, इसको इंग्लिश में एक वर्ड और यूज करते हैं सेल्फ, का मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी इन अ लाइट फॉर्म, का मतलब एक वर्ड लाइट वर्ड है जो कॉमन है। सो हमको एक क्या शो कराता है कि अगर मैं लाइट हूं, माना हल्का हूं, लाइट माना एक प्रकाश भी होता है और एक लाइट माना हल्का भी होता है, तो अगर मैं हल्का हूं तो मैं सोल हूं, अगर मैं हल्का हूं तो मैं पीसफुल हूं, अगर मैं हल्का नहीं हूं, थोड़ा सा भी किसी चीज में भारी हो जाता हूं, तो डेफिनेटली मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में हूं। सो जो कोई भी मेरे को कोई बात कहता है, कुछ भी कोई बोलता है, ये सारी जब प्रैक्टिस हम करते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि जब बहुत सारी बातों को हम फेस भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें हमको हर्ट करती रहती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। सो पावर ऑफ नॉलेज देखो क्या करता है, हमको इस बात की समझ है। जैसे एक लाइव, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं कि इस वर्ल्ड में कोई भी हमें कुछ भी नहीं कहता है, हमारे एक्शन को कहता है। जैसे आप घर में जो भी रहते हैं या बाहर रहते हैं, जैसे किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया या किसी ने घर में सब्जी बनाई, तो सब्जी या सॉफ्टवेयर दोनों को हम लेके चलते हैं, एक घर का, एक प्रोफेशनल, एक हाउसवाइफ का कंटेंट। आप देखेंगे कि सब्जी बनाने वाला अलग है और सोल अलग है, सोल ने बॉडी के थ्रू काम किया। अब जैसे ही किसी ने बोला कि सब्जी ठीक नहीं बनी है, या फिर बोला कि ये सॉफ्टवेयर ठीक नहीं बना है, तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सब्जी और सॉफ्टवेयर, ये हमारा एक्शन है, ये हमारा कर्म है। जब किसी ने इस चीज का एग्जाम्पल दिया या इस चीज को कोट किया, तो हम एक सेकेंड में डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने बात की सब्जी की या फिर बात की सॉफ्टवेयर की, लेकिन हम सभी उससे एक्शन से, उस कर्म से इतना गहराई से अटैच्ड हैं कि जैसे उस कर्म की बुराई होती है, फिर हमें बुरा लगने लग जाता है। तो शिव बाबा ने आकर हमको इस चीज की कितनी सुंदर नॉलेज दी कि तुम अलग हो, कर्म अलग है, लेकिन मैं कर्म से इतना गहराई से अटैच्ड हूं कि जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं, अगर उसको किसी ने अप्रिशिएट किया तो खुश हो गए, किसी ने उसके बारे में कुछ कमेंट किया तो हम नाराज हो गए। तो ये जो खुशी और नाराजगी का सिलसिला है, यही तो नॉलेज परमात्मा ने दी हमको कि जो चीज तुमको एक्शन के द्वारा मिल रही है वो परमानेंट नहीं है। का मतलब मेरे अंदर जो कंटेंट है सोल के अंदर, पीस का, लव का, हैप्पीनेस का, ब्लिस का, पावर का, ये कंटेंट हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, ये हम हैं, ये हम ही हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आज तक हम एक्शन करते हैं, जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उसके बारे में जब कोई कुछ भी बोलता है, तो हमको अच्छा या बुरा लगता है। सो इस बात को आप समझें,
जब घर में हम कर्म कर रहे हैं या कहाँ ऑफिस में कर्म कर रहे हैं, तो कैसे इसको डिनाई करेंगे इस नॉलेज को समझ के कि उसने मेरे कर्म के बारे में बोला है, मेरे बारे में कुछ नहीं बोला है। जैसे लोग घर में कहते हैं ना कि तुम बहुत अच्छे हो, बट तुमने काम ये वाला थोड़ा सा ठीक नहीं किया है। तो ये नॉलेज हमको परमात्मा ने दे दी कि मुझे अपने आप पर काम करना है, कल मैं इस कर्म को सुधार लूंगा या सुधार लूंगी। जो कुछ भी बोला है उसने एक्शन के बारे में बोला है, लेकिन अब बार बार इस बात की जब नॉलेज होगी ना, तो हमारा मूड ऑफ होना बंद हो जाएगा। तो इस बात को अंदर ले जाना है, खूब अभ्यास करके ले जाना है। कहा जाता है ना, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू कनेक्ट विथ रियलिटी। सो जितना हम इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना हम रियलिटी के साथ अटैच्ड होते चले जाएंगे। का मतलब इस वर्ल्ड में कभी भी किसी ने किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला, उसके एक्शन के बारे में ही बोला है, वो सेल्फ के बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन इतने समय से ये हमारे अंदर नॉलेज नहीं थी, ये समझ नहीं थी। जैसे बाय द वे कोई इंट्रोडक्शन दे रहा है या कोई किसी की बहुत अच्छी बात स्पीच दे रहा है, तो ज्यादातर स्पीच देते हुए ये सोच रहा हो अगर कि मैं सामने वाले को अच्छे से इस बात को सुनाऊं ताकि लोगों को मजा आए या इम्प्रेस हो, तो बात अच्छे से कह ही नहीं सकता। बात वो अच्छे से कब कहेगा, जिस जो सिर्फ वो कहेगा। सो आई एम डूइंग फॉर द लव ऑफ डूइंग। कोई भी एक्शन, कोई भी परफॉर्मेंस किसी को इम्प्रेस करने के लिए या किसी को बताने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कर रहा हूं क्योंकि सोल के अंदर ऑलरेडी सारी चीजें फीडेड है ना। तो वो उस चीज को वो देने की कोशिश तो करता है, लेकिन सामने वाले के हिसाब से। अब बाबा ने इसको चेंज कर दिया। बाबा ने कहा कि आपके अंदर जो सात गुण है ना, इन सातों क्वालिटीज के आधार से जो आपका एक्शन होगा वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। क्योंकि हम ज्यादातर पैरामीटर सेट करते हैं कि मैं कैसा एक्शन परफॉर्म करूं कि लोगों को अच्छा लगे। नहीं, मैं ऐसा एक्शन परफॉर्म करूं जिसमें मुझे कंटेंटमेंट मिले। तो इसके चार पैरामीटर हैं, अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लें। कौन सा एक्शन ऐसा है नॉलेज के बेस पर जो सबके लिए अच्छा होगा, कौन सा कर्म मैं करूं बुद्धि से कि जो मेरे लिए भी है। तो इसको चार पैरामीटर पर डेली आप रख के सोच सकते हैं। पहला पैरामीटर है जो मेरे लिए अच्छा है, उस एक्शन को मुझे परफॉर्म अच्छे से करना चाहिए। जो फैमिली के लिए अच्छा है, जो सोसाइटी के लिए अच्छा है और जो कंट्री के लिए अच्छा है। अब इन चारों का एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे इस वर्ल्ड में गंदा काम करना या कोई भी मूवी देखना या कोई उल्टी पुल्टी कर्म करना या कोई भी ऐसे एक्शन करना, ड्रग्स और कोई भी, जैसे कोई वाइन लेता है, ड्रग्स लेता है, ये सारे चीजें हमारे लिए ना मेरे लिए अच्छी हैं, ना फैमिली के लिए, ना सोसाइटी के लिए, ना कंट्री के लिए। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ स्टडी मेरे लिए अच्छी, फैमिली के लिए अच्छी, सोसाइटी के लिए अच्छी और कंट्री के लिए अच्छी। ऐसे नॉलेज या मेडिटेशन मेरे लिए अच्छा, सोसाइटी के लिए अच्छा, फैमिली के लिए अच्छा, कंट्री के लिए अच्छा। कोई भी एक्शन आपको चेक करना है कि राइट है या रॉन्ग है, इन चार पैरामीटर पर रख के आप बार बार उस एक्शन को चेक कर सकते हैं और फिर परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आपकी जो खुशी है वो बरकरार रहेगी, हैप्पीनेस कभी जाएगी नहीं, गारंटीड। लेकिन जब जब आपने ऐसे एक्शन को परफॉर्म किया है तभी जाके हमको बुरा लगा है। तो सबसे बड़ी बात है हर्ट होना, बुरा लगना, कैसे मैं इससे बाहर निकलूं। क्योंकि हर एक्शन में हमें कमेंट्स मिलते हैं। तो बाबा ने सुंदर सी नॉलेज दे दी कि तुमको कर्म करना है सोल कॉन्शियस होके। अब इस बात को थोड़ा सा और डेप्थ के साथ समझ लेते हैं कि जब मैं आत्मिक स्थिति में कर्म करता हूं या मैं जब सोल कॉन्शियस होके कर्म करता हूं, तो मेरे एक्शन में ये वाली चीज आ जाएगी कि मैंने एक्शन परफॉर्म किया और भूल गए। जैसे एक वर्ड आता है बाबा की, अगर साहब आप सभी मुरली सुनते हैं या डेली क्लासेस सुनते हैं बहुतों की, तो उसमें बार बार बोलते हैं ना हमको ट्रस्टी बनना है।
जो ट्रस्टी है बाबा, जो ट्रस्टी वर्ड यूज करते हैं, जो ट्रस्टी है, चाहे वो घर के लिए है चाहे वो बाहर के लिए, तो जो कोई भी ट्रस्टी है उसको टेंशन कैसे हो सकती है? क्योंकि ट्रस्टी का मतलब मेरा कुछ भी नहीं है, और जो जो जिसका कुछ भी नहीं है उसको टेंशन किस बात की हो सकती है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको नेम फेम चाहिए, क्योंकि आजकल वर्ल्ड में बहुत लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सोशल वर्क कर रहे हैं लेकिन टेंशन में। इसका मतलब वो सोशल वर्क अपने किसी न किसी डिजायर के बेस पर कर रहे हैं। तो जो भी डिजायर के बेस पर लाइफ को लीड करता है इस वर्ल्ड में, चाहे हम हो, चाहे हम सारे बाबा के बच्चे हों, या कोई नॉन बी के कोई भी हो, सभी जो भी डिजायर के बेस पर लाइफ को लीड करता है वो कभी भी पीसफुल हो ही नहीं सकता। हमको नीडफुल लाइफ लीड करने के लिए बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं कि आप सभी जितना जरूरी है उतना आपके पास हो, उससे ज्यादा नहीं हो। तो हमको ट्रस्टी बनाया, बार बार कहते हैं ट्रस्टी बनो। एक वर्ड आता है, बाबा ने इतना सुंदर इसका नॉलेज दिया कि आप साक्षी बनो। तो साक्षी वर्ड, ट्रस्टी वर्ड, ये इतना पावरफुल वर्ड है। साक्षी का मतलब टू सी ऑल द थिंग्स एज ए डिटैच्ड ऑब्जर्वर। सो कोई भी चीज को मैं जब डिटैच्ड ऑब्जर्वर होके देखूंगा तो मुझे मेरी खुशी कभी गायब हो ही नहीं सकती, लेकिन जब मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ सो ऑटोमेटिकली खुशी के ऊपर असर आना स्टार्ट हो जाता है। सो आप देखो दोनों चीजों का कंट्रास्ट, ट्रस्टी टेंशन इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं ट्रस्टी होने के बाद किसी भी बात की चिंता करता हूं, चाहे मैं हूं इवन चाहे कोई भी हो, तो इसका मतलब मुझे वहां से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज्यादा लगाव है, और उस लगाव के कारण ही हमको टेंशन हो रही है। तो देखो सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस बाबा ने हमको सिखाई, हम सभी का सबसे बड़ा बेस बनाया कि अधिक से अधिक इसकी प्रैक्टिस करो। अब हम इसकी थोड़ी डेप्थ में चलते हैं। जैसे नॉलेज वर्ड है, सो नॉलेज बाबा ने हमको दिया बॉडी का और सोल का। तो जो पहला शब्द हमने इस्तेमाल किया, सो जब हमने अपने आप को बॉडी समझा, अंडरस्टैंड किया, सो बॉडी समझने से हमारे अंदर आया बॉडी कॉन्शियसनेस, और बॉडी कॉन्शियसनेस से हमारे अंदर आया लस्ट, और इसकी डिमांड पूरी ना हुई तो हमारे अंदर आया एंगर, और जिस चीज के लिए एंगर आया उससे हमारा अटैचमेंट हो गया, और जिस चीज से हमारा अटैचमेंट हो जाता है उसके लिए हम कुछ अचीव करते हैं जिसको हम ग्रीड कहते हैं, और अगर बहुत ज्यादा ग्रीड हुआ तो हमारे अंदर ईगो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, और जब हमारे अंदर ईगो जनरेट होता है किसी भी चीज को लेके तो हमारे अंदर कहा जाते हैं हमारे जो इंटेलेक्ट हो काम नहीं करती। अब इसका जो अदर साइड है जिसको हम सोल कहते हैं, तो बाबा ने हमको नॉलेज दी सोल की। सोल से, सोल समझने से सबसे पहले सोल कॉन्शियस हो गए। सोल कॉन्शियस से जो हमारी पहली फीलिंग जनरेट होती है उसको हम कहते हैं प्यूरिटी। तो बाबा ने हमको प्यूरिटी की नॉलेज दी, बाबा ने हम सबको प्यूरिटी की नॉलेज दी, समझ दी, अंडरस्टैंडिंग दी, कॉन्शियस दी, अवेयरनेस दी। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जो प्यूरिटी की नॉलेज हमको मिली इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी हमारे अंदर अभी तक है, जो कुछ भी हमारे अंदर है, अगर उसमें थोड़ी भी इम्प्यूरिटी है तो हमारे अंदर कहते हैं ना प्यूरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। सो अगर हमारे अंदर इम्प्यूरिटी है तो ना पीस है ना हैप्पीनेस है। तो क्रॉस चेक करते जाएंगे कि जैसे कई बार पूछते हैं कि हम कैसे प्रैक्टिस करें, सो प्रैक्टिस करने का एक सुंदर सा तरीका है, जो जितना ज्यादा प्योर है या प्योर बनता जा रहा है उसकी हैप्पीनेस के लेवल बढ़ती जा रही है। प्यूरिटी को बहुत आसान शब्दों में समझें, जैसे एक छोटा बच्चा है जो बहुत अट्रैक्ट करता है,
क्रॉल करता हुआ आता है आपके सामने, आप उसको दौड़ के उठा लेते हैं। आपके आसपास के लोग उसके पास दौड़ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको देह याद नहीं है। तो बाबा ने कौन सी नॉलेज हमको दी? देह की और देही की, सोल की और बॉडी की। जब उसको बॉडी याद नहीं है तभी तो अट्रैक्ट कर रहा है वो हमको। आज हम सबको इतनी ज्यादा अपनी बॉडी याद रहती है कि हम किसी को अट्रैक्ट नहीं करते प्यूरिटी के बेस पर। छोटा बच्चा तो कभी नहीं कहता कि आप मेरे को उठा के गोद में खिलाओ या मेरे साथ खेलो, कभी भी नहीं कहता। फिर भी हम उसके लिए दौड़ते रहते हैं ना, बार बार उसके साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं, बात करते हैं। सो वाई? बिकॉज ऑफ वो अपने आप को बॉडी नहीं समझता, मतलब उसको एक सी समझ ही नहीं है, वो सिर्फ आपके सामने आता है। सो फर्स्ट वर्ड नॉलेज का, प्यूरिटी की नॉलेज, प्यूरिटी की नॉलेज। देखो कितनी गहरी शक्ति है, पवित्रता की शक्ति कहा जाता है। सो पवित्रता की शक्ति कब हमारे अंदर डेवलप होगी? जब हम इस चीज को अच्छे से जोड़ेंगे खुद के साथ। और कब जोड़ पाएंगे? जब माइंड को बार बार इस चीज पर फोकस करेंगे, आज मेरे अंदर अगर अशांति आई या थोड़ा सा भी तकलीफ हुई तो जरूर कोई इम्प्यूरिटी का थॉट है, जरूर कोई ऐसा थॉट है, जरूर कोई ऐसी फीलिंग है जो हमको इम्प्योर बना रही है, जो हमको अशांत कर रही है, जो हमको दुखी कर रही है, जो हमको तंग कर रही है, जो हमको तकलीफ में ले जा रही है। सो जितनी बार मैं इस चीज को फील करता हूं, जितनी बार इस बात को मैं फील करता हूं, उतना अपने आप को मैं अच्छा पाता चला जाता हूं। सो आप देखो कितना क्लीन है नॉलेज, कितना क्लियर है नॉलेज, कि ज्यादातर हम सभी इस बात से बिल्कुल अपने आप को अलग फील करते हैं। बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, जब भी आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो जरूर कोई इम्प्यूरिटी का थॉट है। तो पहला नॉलेज दिया, समझ दिया, अंडरस्टैंडिंग दी कि यू आर अ सोल। सोल समझने से पहली चीज जनरेट हुई प्यूरिटी, प्यूरिटी से पहली चीज हमारे अंदर आई वो है हैप्पीनेस, उसके साथ पीस। सो इसका मतलब पीस और हैप्पीनेस का बेस प्यूरिटी हो गया नॉलेज के बेस पर। और जो इसका चौथा कंटेंट है, नॉलेज, प्यूरिटी, पीस और हैप्पीनेस के बाद आता है लव, प्यार की जो बहुत जबरदस्त डेफिनेशन बाबा ने दी कि लव योर सेल्फ। सो प्यार क्या है? अगर मैं थोड़ी देर के लिए अशांत होता हूं तो मैं खुद को प्यार नहीं करता, या थोड़ी देर के लिए भी मैं डिस्टर्ब होता हूं तो मैं खुद को प्यार नहीं करता। अगर मैं हमेशा अपने आप को कंटेंटेड फील कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं खुद को बहुत अच्छे से प्यार कर रहा हूं। अगर मेरा बीच बीच में माइंड अपसेट हो रहा है, इसका मतलब मैं खुद को प्यार नहीं कर रहा हूं। तो जितनी बार इस बात को मैं एडमिट करता हूं उतना ज्यादा मैं फोकस होता हूं। देखो पावर ऑफ नॉलेज, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को बाबा हमारे बढ़ा रहे हैं। जितना हमारा अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ेगा, जितना हमारे कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ेगा, उतना हमारी हैप्पीनेस का लेवल बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लव के बाद हमारे अंदर आता है जो सबसे बड़ी ब्लिस, जो ब्लिस है, जो ब्लिस का मतलब बहुत छोटे छोटे सुखों के पीछे जाना। जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं कि पूरे वर्ल्ड में हम सभी ह्यूमन बीइंग के नेचर क्या है। देखो नेचर ये है कि हम सभी का इतना गहरा कनेक्शन है सुख के साथ, चाहे वो वर्ल्डली लाइफ लीड कर रहा है और चाहे वो एक स्पिरिचुअल लाइफ लीड कर रहा है। पूरे जीवन हम सुखों के पीछे भागते हैं, जैसे हम शादी करते हैं, बाहर जाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जिससे हमने शादी की, अपने बच्चे बच्चों के साथ हम जीना शुरू हुए, कुछ दिन बाद जब धीरे धीरे उनके साथ रहते रहते काफी दिन बीत गए, 20 साल, 25 साल, फिर जब उनसे दुख मिलना शुरू हुआ,
थोड़ा सा भी उनसे तकलीफ मिलनी शुरू हुई तो हमने तुरंत कहा कि मुझे इस लाइफ को लीड नहीं करना, मुझे संन्यास धारण करना है। तो आप देखो, संन्यास धारण करने का मतलब जब उसको दुख मिलना शुरू हुआ तो उसको फिर से सुख की तलाश शुरू हुई। पहले सुख मिल रहा था सबसे, तो तब तक उसके साथ था, जैसे उनसे दुख मिलना शुरू हुआ उनको छोड़ के फिर से सुख की तरफ भागा। तो इसका मतलब संन्यास धारण करना भी सुख की निशानी है। मतलब हर समय व्यक्ति, आप बहुत ध्यान से इसको जब समझेंगे, बहुत अच्छे से फील करेंगे, तो समझ आए कि हर पल हमको सुख चाहिए। कोई भी गैजेट आप ले आए, कोई भी चीज लाए, जैसे जब तक आपको उससे सुख मिल रहा है आपको मजा आ रहा है, जैसे थोड़ा सा भी दुख मिला इसका मतलब उसको फेंको, फिर से कोई नई चीज लो। इसका मतलब हमारा स्वरूप कैसा है, हमारा कहते ना एम्बॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस, एम्बॉडीमेंट ऑफ जॉय, हमारा स्वरूप ही सुख लेने का है। इवन सुइसाइडल थॉट या सुइसाइड करना भी सुख की निशानी, दुनिया के हिसाब से उनको समझना है। क्योंकि जब उनको समझ आता है कि दुनिया में इन सारी चीजों से मुझे तकलीफ मिल रही है, तो अज्ञानतावश या ज्ञान नहीं समझा उसने, तो अपने आप को खत्म कर लेता है कि नहीं, मुझे सुखी होना है, मुझे इन सारी चीजों को नहीं झेलना है। तो हम बने किससे हैं? हैप्पीनेस से या जॉय से बने हैं, हम दुख से बने ही नहीं। इसीलिए पूरे जीवन हम सुख की तलाश करते हैं। तो चूंकि हम आनंद से बने हैं या ब्लिस से बने हैं, इसलिए फुल टाइम छोटे 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 सुखों को ढूंढते हैं। आप देखना, इस लाइफ में भी, लौकिक जीवन में भी फुल टाइम हम छोटे 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 सुखों की तलाश कर रहे हैं। यही तो आनंद है। सो बाबा ने आनंद की डेफिनेशन इतनी सुंदर दी कि आपकी जो ब्लिस की स्टेज वो कब आएगी, जब आपको अवेयरनेस होगी कि हम सुख से बने हुए लोग हैं, हम सुख ही हैं बेसिकली। तो जो सुख से बना है वो बाहर सुखों की तलाश कर नहीं सकता। ये है नॉलेज, तो नॉलेज ऑफ जॉय, नॉलेज ऑफ हैप्पीनेस, नॉलेज ऑफ प्यूरिटी, नॉलेज ऑफ पीस। सो जितना हमको ये नॉलेज मिलती गई, उतना हमारे अंदर हम कंटेंटेड होते चले गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं। सो जो ये लास्ट का कंटेंट है जिसको हम पावर कहते हैं, सो पावर ऑफ नॉलेज को, नॉलेज की पावर क्या हुई? जितना ज्यादा कहते हैं ना एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस, एक वर्ड हम यूज करते हैं, ज्ञान स्वरूप या ज्ञान शांत स्वरूप, एक वर्ड यूज करते हैं, एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस का मतलब जितना ज्यादा किसी भी चीज की हमको समझ होती है, उस चीज में उतनी ज्यादा हमको पावर फील होती है। सो पीस की नॉलेज गहरी दी बाबा ने, कि पीस को कंटेंटेड कैसे बनाना है या पीस को जाने कैसे नहीं देना है, वो कब होगा? जब उसकी मुझे गहराई पता होगी। जितनी ज्यादा उसकी गहराई हमको पता है, उतना ज्यादा हम उस चीज को फील करते चले जाएंगे। तो लाइफ को 1 सेकंड में समझने के लिए हम अपने आप को इस बात को समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो। कोशिश करना है कि मुझे इन 7 core qualities को बार 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 दोहराने के लिए नहीं, उसको समझने की कोशिश करना है। सो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, यही हमारे लिए एक पावर है। आपको हम थोड़ा सा दूसरी साइड इसके लिए चलते हैं। जैसे कहते हैं कि मेडिटेशन या ज्ञान, जो कि योग या ध्यान जो दुनिया में लोग वर्ड कहते हैं, कुछ पाने के लिए नहीं है। इट इज नॉट टू गेट समथिंग और सम काइंड ऑफ प्लेजर। ये कुछ अचीव करने के लिए भी नहीं है। सो मेडिटेशन या ज्ञान या समझ हमको क्या दे रहा है? हमारे माइंड को क्लीन कर रहा है, हमारी समझ को बढ़ाता है। लाइफ को देखिए, हर दिन एक नई चीज मिलती जा रही है। सो मेडिटेशन क्या कहता है? एक टूल है टू क्रिएट अ ग्राउंड फॉर अ डीपर अंडरस्टैंडिंग। एक ग्राउंड क्रिएट कर रहा है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लेवल को बढ़ा रहा है।
है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा हमारे अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ता जाएगा उतना हम अच्छे होते जाएंगे। हम सभी का जो जीवन है, आप देखो कैसे बहुत ज्यादा किस चीज में कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि जितना हम जब सोचते हैं ना, इसको सेकेंडरी रखते हैं मेडिटेशन को, और ये प्राइमरी चीज है। सो जब कई बार मोटिवेशन देने के लिए या कहीं किसी जगह जाने के लिए कोई बात करता है तो वहां वो कहते हैं इससे हमको फायदा क्या है, तो सारा कुछ शुरू ही ऐसे होता है। जैसे कहते हैं कि हम माइंड से फुल टाइम काम करते हैं, लेकिन माइंड पर तो 1 मिनट भी काम नहीं करते ना। सब कुछ हमने अचीव कर लिया, अटेन कर लिया, लेकिन अपने आप को इस बात से नहीं निकाल पाए कि हमको हर पल अप्रिसिएशन क्यों चाहिए, मुझे हर पल कोई एडमिट करे हमको ऐसा क्यों चाहिए। इस लाइफ को थोड़ा सा आसान और इजी बनाना है। तो हम सभी का जो बेस है, जो बाबा ने हमको ज्ञान दिया, उस बेस में ये चीज डाल दी कि जितना हो सके कोशिश करते हुए अपने आप को इससे बाहर निकालो, क्योंकि बहुत समय तक ये सारी चीजें हमारे साथ नहीं चल सकती। ज्ञान में हो चाहे कोई, चाहे बाहरी लाइफ में हो, आपने देखा होगा पहले एक गुरुकुल परंपरा चलती थी। गुरुकुल परंपरा में क्या करते थे, थोड़ा साइकोलॉजिकल बेस इसका समझ लेते हैं। गुरुकुल परंपरा में 7 साल से लेकर 25 साल तक बच्चे को एक ऐसे एरिया में रखा जाता था जहां पर उसका बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क ना हो पाए, कभी भी वो किसी से जुड़ ना पाए। जो बाहरी दुनिया से संपर्क की बात चल रही है, बाहरी दुनिया से जुड़ाव की बात चल रही है, जब बाहरी दुनिया से जुड़ता है तो बाहरी दुनिया से जुड़ने के बाद उसके अंदर एक अलग सी फीलिंग जनरेट होती है। वो बाहरी दुनिया से जुड़ के कुछ अलग सा फील करना शुरू हो जाता है। तो 7 से 25 साल तक उनको ऐसी एरिया में रखा जाता है जिसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ही ना हो। तो उससे क्या होता था, उन बच्चों के अंदर कोई इमोशनल इम्बैलेंस नहीं होता था। हमारा हर चीज हर 7 साल में बदल जाता है, 1 से 7 साल, 7 से 14 साल, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42, 35 से 42, मतलब 42 साल के ऐसे 7 साल के गैप में पूरे शरीर का सब कुछ चेंज हो जाता है। ऐसे ही हमारा माइंड भी चेंज होता है। तो 1 से 7 साल तक बच्चा कंप्लीट इमोशनल होता है, हर चीज को वो देख के सीखता है, इमेज जो देखा वैसे सीखता है। 7 से 14 साल के बीच में बच्चा लॉजिकल हो जाता है, थोड़ा इमोशनल और लॉजिकल के बीच में थोड़ा सा, जैसे हर चीज में वो लॉजिक लगाता है। लेकिन 14 से 21 साल का जो पीरियड होता है वो बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन, मतलब ऐसे में बच्चे को अगर संभाला नहीं जाता है तो वो बिगड़ सकता है। तो गुरुकुल में फुल टाइम वो ऐसे रखते थे कि जिसमें बच्चे की ये जो माइंड की का लेवल है बिल्कुल अच्छा रहे, हमेशा अच्छा रहे। आप देखो हम अपने माइंड को और कंप्यूटर को कोरिलेट करके देखते हैं। हमारा माइंड और कंप्यूटर बोथ आर सेम, माइंड और मोबाइल बोथ आर सेम। कैसे सेम है कि जब माइंड है और मोबाइल है, मोबाइल को कैसे डिजाइन किया गया होगा, माइंड के अंदर, या कंप्यूटर को कैसे डिजाइन किया गया होगा, माइंड के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास आया डेस्कटॉप, फिर उसके बाद आया लैपटॉप, लैपटॉप के बाद आया हमारा पॉम टॉप जिसको हम मोबाइल कहते हैं, पाम टॉप के बाद हमारा आया हेड टॉप। हेड टॉप का मतलब जो इन तीनों को चला रहा है, चारों को चला रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे माइंड के अंदर जो डिजाइन चीज की गई है वो कैसे की गई होगी। तो उसके लिए चार कॉन्सेप्ट बनाए गए कि माइंड हमेशा, जैसे कंप्यूटर की भाषा बाइनरी है, हर एक चीज को 0-1 के फॉर्म में रीड करता है, ऐसे ही हमारा जो माइंड है हर चीज को 4 फॉर्म में रीड करता है, इमेज, कलर्स, साउंड और म्यूजिक, आर्ट एंड ग्राफिक्स। इमेजेस,
कलर्स, साउंड और म्यूजिक, आर्ट एंड ग्राफिक्स, इन चार फॉर्म में वो हर एक चीज को रीड करता है। अगर ये चार फॉर्म उसके साथ हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन चारों को मिला के हम थॉट कहते हैं। सो आपने देखा होगा कि कोई भी चीज जो आज तक आपने देखी है या सुनी है वो आपको याद है, लेकिन जो चीज आपने कभी पढ़ी है ना वो भूल जाती है। आज मोबाइल में हर चीज हमको देखना अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि उसके अंदर लाइट, साउंड और म्यूजिक होता है। ऐसे बच्चों का टीवी देखने या मूवी देखने का मन क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर लाइट, साउंड और म्यूजिक होता है। हम सब बड़े भी उसी बात को बार बार क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारा मन करता है इमेज, कलर, साउंड, म्यूजिक दे। हम बने इसी से। इसीलिए शुरू से लेकर गुरुकुल में कोई भी ऐसा डिजिटल एनवायरमेंट नहीं था, फिर भी वो ऋषि मुनि उनको ध्यान सिखाते थे और उस वहां पर विजुअल ऐसे दिखा के उनको बहुत सारी चीजें बता देते थे। वहां पर कोई भी ऐसा डिजिटल राइटिंग या कोई कंप्यूटर मोबाइल नहीं होता था। ऐसे इस समय हमारा माइंड प्री ऑक्यूपाइड हो गया बहुत सारी चीजों से। जो कुछ भी हम देखते हैं वो हमको याद है। जैसे किसी ने कुछ आपको 20 साल पहले कहा है वो आपको याद है, किसी ने आपको 20 साल पहले हर्ट किया है आपको याद है, किसी ने आपको कुछ पहले बोला है, किस स्थान पर बोला है आप उसको सुना सकते हैं, लेकिन कोई चीज आपने 10 साल या 2 दिन 4 दिन पहले भी पढ़ी आपको भूल जाती है। इसीलिए बच्चों को इमेज दिखा के फिर सिखाया जाता है। कहते हैं ए फॉर एप्पल, मतलब 40 साल का बच्चा भी ए फॉर एप्पल कह रहा है, 80 साल वाला भी ए फॉर एप्पल कह रहा है, बट ए फॉर अनुज भी हो सकता है, ए फॉर इलाहाबाद भी हो सकता है, ए फॉर अमेरिका भी हो सकता है, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, लेकिन ए फॉर एप्पल क्यों बोला, क्योंकि एप्पल से उसको एसोसिएट किया। सो ऐसे ही पूरी लाइफ में आप देखो जो चीजें आपने देखी हैं वो याद है। अब देखो शिव बाबा ने कितना सुंदर साइकोलॉजी हमको सिखाया। बाबा ने कहा जो चीजें आप आज देखते हो आपको याद रहती है तो इसका फॉर्म बदल दो। बाबा ने कहा फुल टाइम सोल को देखो। अब देखो सोल के अंदर कहा जाता है देयर इज नो पिक्चर विदाउट अ बैकग्राउंड। तो इस दुनिया में आप कोई भी पिक्चर देखेंगे उसके पीछे बहुत सारी चीजें चल रही हैं साथ साथ, लेकिन सोल एक पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी है। जब हम उसको देखते हैं तो हमारे अंदर थॉट चलना बंद हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम किसी फेस को देखते हैं या बॉडी को देखते हैं, देखते ही सारा उसका बैकग्राउंड हमको याद आ जाता है। इसीलिए बार बार सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस की बाबा बात करते हैं कि जितना ज्यादा इस बॉडी को भूलोगे, का मतलब जितना ज्यादा इस बॉडी को से हम अपने आप को डिटैच करेंगे उतना ज्यादा हमको ये चीज याद रहेगी। तो जो इमेज आज तक हमने देखा है उन सारे इमेज के अंदर नेगेटिविटी है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज आपको नहीं मिलेगी जो आपको सुख दे। इसलिए बाबा ने इस ज्ञान में बोला कि आपको ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करना है, आपको मम्मा को भी याद नहीं करना है, आपको किसी ऐसे को, किसी भी देहधारी मनुष्य को याद ही नहीं करना है, खुद को सोल समझना है और सुप्रीम सोल को याद करना है। आप इसको दूसरे तरह से समझते हैं। आप देखो इस भारत में सबसे पॉपुलर जो देवी देवता जिसको कृष्ण कहते हैं, श्री श्री राम जी कहते हैं, और भी जो देवी देवताएं हैं जिसमें दो को बहुत पॉपुलर माना जाता है, श्री कृष्ण और श्री राम, इनको भी लोगों ने नहीं छोड़ा। आज भी अगर कहा जाता है भाई कृष्ण के बारे में आपका क्या, आपकी राय है, तो कहते हैं कृष्ण बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन महाभारत का युद्ध भी करा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं कराया उन्होंने, किसी ने वहां देखा थोड़ी है। लेकिन जो कुछ भी लोगों ने बोला है वो हमेशा दो बातें बोलते हैं, किसी भी देवी देवता के लिए भी दो बातें बोलते हैं। अगर कोई गुरु भाषण कर रहा है तो कहेंगे गुरु जी पहले क्या थे, अभी क्या कर रहे हैं। ऐसे राम के बारे में लोगों ने कमेंट किया कि राम बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छा किया, लेकिन सीता को बाहर निकाल दिया, ऐसा राम ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी दो चीजें साथ में चल रही हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, का मतलब लोग देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ते। इवन ब्रह्मा बाबा के लिए लोगों ने कितनी सारी बातें की। सो शिव बाबा ने कहा
कि मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी हूं, मेरे में वो निकाल के दिखाओ ड्रॉबैक्स, या मेरे में कोई फ्लॉ निकाल के दिखाओ। आप निकाल ही नहीं सकते क्योंकि वो पॉइंट ऑफ लाइट पॉइंट ऑफ एनर्जी है, मैं भी एक पॉइंट ऑफ लाइट पॉइंट ऑफ एनर्जी हूं। कितना सुंदर इससे प्रूव होता है, सिद्ध होता है कि मैं आत्मा और वो परमात्मा निराकार, दोनों पॉइंट ऑफ लाइट पॉइंट ऑफ एनर्जी है, कंप्लीट है, क्लीन है, और दोनों के अंदर कोई इमेज ऐसी नहीं है। लेकिन आज जो इमेजेस मैंने देखी हैं वो इतना गहराई से मेरे अंदर बैठी हुई हैं कि जिससे वो पूरी तरह से अपने आप को लेके बैठी हुई है, मतलब इतना गहराई से बैठी कि उसको निकालना मुश्किल है। हम सभी इस बात को बहुत गहराई से समझें। कोशिश करना है, जो बाबा हमको पांच स्वरूपों का एक अभ्यास बताते हैं ना, ये पांच स्वरूपों का अभ्यास कंप्लीट इसी के साथ कनेक्टेड है, और हर एक अभ्यास इस लाइफ में, वर्ल्डली लाइफ में जो कुछ भी आपको अचीव और अटेन करना है उसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, पहली इमेज सोल, अनादि स्वरूप, जिसको हम सोल कॉन्शियस स्टेज कहते हैं, बाबा जिसको अनादि स्वरूप कहते हैं कि हम परम धाम में थे तो अनादि स्वरूप में थे, ज्योति बिंदु स्वरूप। जो इसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, पावर ऑफ नॉलेज, जितना हमको इसकी प्रैक्टिस होगी, जितनी इसकी समझ बढ़ेगी, जितना हम इस दुनिया से मरेंगे उतना अच्छे हो जाएंगे। अब इसको लाइवली समझ लेते हैं। भीड़ इस दुनिया में कहां इकट्ठी होती है, बड़ी नेचुरल भीड़ इस दुनिया में कहां इकट्ठी होती है। देखो, जब कोई कंसर्ट हो, बहुत बड़ा कोई फंक्शन हो, तो हमको फिर भी कार्ड छपवाने पड़ते हैं, हमको बताना पड़ता है कि जी हमारे यहाँ ये सारा कुछ फंक्शन है, तो लोग आ जाते हैं। लेकिन एक स्थान ऐसा है जहां किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, और वो है किसी की डेथ हो जाना, वहां लोग नेचुरल आ जाते हैं। इसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि हमारे पड़ोस में, जहाँ गांव के एरिया है, वहां पर कईयों से आपस में बहुत लड़ाई होती थी, बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। लेकिन देखा कि हमारे घर में किसी की डेथ हो गई, तो देखा जितने भी हैं जिनसे बहुत लड़ाई होती थी, सारे आके वहां इकट्ठे हो गए। सो वहां पर रोना मुझे कम आया, लेकिन ये बात बड़ी अच्छी समझ आई, अरे यार तो बड़ा आसान है, इसका मतलब अगर सबको इकट्ठा करना है तो अपने आप को मारना है। और इसको ज्ञान के हिसाब से समझ लें कि हमारे पास लोग तब इकट्ठा होंगे या हमारी बात लोग तब सुनेंगे जब हम ईगो से मरेंगे। ईगो का मतलब रॉन्ग इमेज के साथ अटैचमेंट, जो मैं नहीं हूं, मैं बॉडी नहीं हूं। तो जितना ज्यादा हम बॉडी से मरेंगे उतना लोगों की हमारे लिए ब्लेसिंग होगी, लोग ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे, कभी भी कोई आपसे दूर होगा ही नहीं। लेकिन हम मर नहीं रहे, हमारे अंदर नेम फेम बढ़ता जा रहा है ना, तो जितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है उतना ज्यादा लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम मरते जाएंगे हमारा पुण्य जमा हो जाएगा। जैसे एक दुनिया में एग्जाम्पल कहते हैं ना, जीने को, जब हमारा जन्म होता है तो उसको हम कहते हैं बर्थडे या जन्म दिवस, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पुण्य तिथि। का मतलब पूरे जीवन हमने पुण्य किया ही नहीं, मरने के बाद ही पुण्य तिथि मनाएगी। तो तिथि पुण्य कब बनी, जब हम शरीर से गए। ऐसे ही हर पल जो शरीर से अपने आप को डिटैच करेगा, जितना ज्यादा डिटैच करेगा उतना ज्यादा उसका पुण्य जमा होगा। का मतलब सबसे सुंदर ये गहराई डेप्थ है इसकी, कि जितना ज्यादा इससे हम अपने आप को डिटैच करेंगे उतना पावरफुल होंगे। और इसका एक दूसरा बेस है कि आपकी जो काया है, आपका जो शरीर है, वो निरोगी होता जाएगा। हेल्थ की डेफिनेशन जो WHO देता है और जो हम सबने एक्सपीरियंस किया है, जैसे इस समय जितने भी लोग सुन रहे हैं अपने घरों में या बैठे हुए हैं, वो अपने आप को अगर ध्यान से देखें कि अगर आपके हाथ में, पैर में या किसी भी चीज में थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा है, थोड़ी भी तकलीफ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपका हाथ, पैर, मुख है ही नहीं,
है ही नहीं वो, लेकिन जैसे दर्द होता है तो आपको लगता है मेरा हाथ है या मेरी आंखें हैं या मेरा पैर है, लेकिन जैसे ही आपको दर्द नहीं होता तो आपको कुछ याद ही नहीं है। तो जब हमारा शरीर हमको याद नहीं रहता है तो उसको कंप्लीट हेल्थ कहा जाता है, और ये चीज होगी सतयुग में। इसीलिए कहा जाता है जितना ज्यादा सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस होगी उतना हमारा बॉडी क्लीन हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा। इसके दूसरी तरफ चलते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर की बात, जितना हम देवी देवतापन की प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हम डेटिज्म की प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारे अंदर विजडम डेवलप होता है ऑटोमेटिक। हम वाइज होते चले जाएंगे, हमारा विजडम डेवलप हो जाएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा हम सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस करते हैं निरोगी होते जाएंगे, और जितना हम अपने आप को आदि स्वरूप माना देवी देवता स्वरूप की प्रैक्टिस करेंगे उतना हम विजडम वाले होते जाएंगे, क्योंकि देवी देवताएं कभी भी किसी पर कमेंट नहीं करते, वो हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। सो देवी देवता माना विजडम। सो अगर मेरा विजडम डेवलप होना शुरू हो जाए, अधिक से अधिक विजडम डेवलप होना शुरू हो जाएगा तो आपका कमेंट करना बंद हो जाएगा। इसलिए बाबा कभी मुरली में कहते हैं कि देवता माना रॉयल बुद्ध का मतलब उनको जानते हो सब कुछ है लेकिन वो उस चीज को फील नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। हमारे लाइफ का ये बेस है। तीसरा जो हमारा प्रैक्टिस है जिसको हम कहते हैं वर्शिप वर्दी, पूज्य स्वरूप, जो हमारा देव जो बाबा कहते हैं जितना ज्यादा कोई पूज्य स्वरूप की प्रैक्टिस करता है वो इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है, इसकी नॉलेज दी बाबा ने। इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, जैसे आपने अभी आज तक भी किसी को कोर्स कराते होंगे, क्लास कराते होंगे, वो आपके सामने आके थोड़ा भी रो दे या कुछ भी ऐसी बात कह दे, हम इमोशनल होके उससे अटैच्ड हो जाते हैं। हाँ ये तो बड़ा दुखी है, बहुत परेशान है। सो मैं जितना ज्यादा इमोशनल होता जाता हूँ उतना वीक होता जाता हूँ। आपने अगर सीरियल देखा हो कोई भी देवी देवता का, तो उसमें दिखाते हैं कि कोई भी देवी देवता ऐसे खड़ा है, उसके सामने कोई आता है, वो अपनी बहुत सारी बातें सुनाता है, रो रहा है, लेकिन एक देवी देवता के हाथ से कुछ निकला, वरदान निकला और दे के चला गया। ऐसे ही शिव बाबा इस ज्ञान को दे ही इसी ले रहे हैं कि हम इमोशनली स्ट्रांग हो जाए, भावनात्मक रूप से मजबूत हो जाए, लेकिन हम तो फंसते जा रहे हैं फुल टाइम। जैसे किसी ने कुछ सुनाया बस फिदा हो गए उसके ऊपर। तो जितना ज्यादा पूज्य स्वरूप का अभ्यास होगा, माना इसको करना कैसे है कि जो भी सामने वाला मुझे कुछ भी सुना रहा है वो उसकी कर्म है, उसका अपना किया धरा है सारा, जो कुछ भी आज तक उसने किया है वही वो मुझे सुना रहा है, तो मुझे उसके कर्मों में एंटरफेयर ना करके मुझे एक गुड विशेष रखनी है कि आप आगे बढ़ जाओ। जैसे यहाँ का भी लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, यहाँ बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो तैयार हैं, जो कोर्सेज कराते हैं, लेकिन जब वो कोर्स करा रहे होते हैं तो कई बार जैसे किसी को दे दिया तो वो अगर पूरा ज्ञान सुना रहा है तो सुनते सुनते लॉस्ट हो जाते हैं। इसको एक वर्ड इंग्लिश में यूज करते हैं एम्पथाइज करना, किसी को एम्पथी देते हैं तो पूरी तरह से उसके साथ खो जाते हैं, या सिंपथी दे रहे हैं या किसी को लोग या तो एम्पथी दे रहे हैं, दोनों हमारे लिए खतरनाक है। हम कौन होते हैं किसी को हील करने वाले, हील करने वाला तो शिव बाबा है ना। तो उन आत्माओं को हम जब बहुत ज्यादा सुनते हैं तो उससे वैसा स्वरूप हमारा भी हो जाता है, इमोशनली वीक हो जाते हैं। तो इस बात को बहुत गहराई से आप चिंतन करना, इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना कि अगर किसी को शक्तिशाली हम नहीं बना पा रहे हैं तो हम मतलब इमोशनली वीक है, भावनात्मक रूप से मजबूत बनना है हमको, कमजोर नहीं बनना है और ना किसी को बनाना है, कोशिश करना है जितना हो सके अपने आप को इससे बाहर निकालना है, कोशिश करना है। सो
इमोशनली स्ट्रांग हम बन जाएंगे वर्शिप वर्दी की प्रैक्टिस से। चौथा ही प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा से ज्यादा बाबा ने जो हमको ये नॉलेज दी, हम सारे बीके बने या ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, ब्राह्मण बने। तो ब्राह्मण माना जो सबसे ज्यादा सोशल है। सोशल का मतलब चारों तरफ उसको आना जाना है, सबसे मिलना है। तो ब्राह्मण स्वरूप से हम सोशली स्ट्रांग बन जाएंगे। और ब्राह्मणों की सबसे पहली नेचर है, जैसे इस ब्रह्मा कुमारीज की दो विशेष बातें हैं जो हम सबको हमेशा धारण करनी है। पहली एक है खान पान की शुद्धि। चाहे कुछ भी हो जाए, हमको खान पान परमात्मा की याद में अपने हाथों से बना हुआ, बिना अनियन गार्लिक के बाबा की याद में बना हुआ भोजन ही स्वीकार करना है, पहली चीज। दूसरा, पवित्रता की धारणा। ये ब्राह्मणों की दो टांगे बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जो इस पर स्ट्रांग है, कहा जाता है ना, एक ब्राह्मण को जब घर बुलाते हैं तो पूरे घर की सफाई करते हैं। तो हम सारे ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा के सगे बच्चे हैं, पावरफुल बच्चे हैं। और हम भगवान के बच्चे अगर इन धारणाओं को नहीं करते हैं तो सोशल तो हम बनते हैं, लेकिन लोगों को हमसे प्राप्ति नहीं हो सकती कभी भी। तो इस नॉलेज को बाबा ने हमको बहुत गहराई से दिया कि जितना ज्यादा से ज्यादा पवित्रता की धारणा और खान पान की शुद्धि होगी, सो हमारे अंदर का प्यूरिटी हमारी डेवलप हो जाएगी। और इसका साइंटिफिकली प्रूवेन है। कई बार क्वेश्चन एक उठ जाता है कि अनियन गार्लिक क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक के अगेंस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर भी इसकी नॉलेज तो हमको ले ही लेनी चाहिए। कहते हैं कि जो हमारा हमारे अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है बॉडी के अंदर, और ये एक्सपेरिमेंटल है, इस ज्ञान में आने से पहले ही हमने इस चीज को ड्रॉप किया था। कभी भी 96 से मैंने अनियन गार्लिक को टच नहीं किया। नॉलेज क्या है इसकी, कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ऑक्सीजन के लेवल को बरकरार रखता है। जैसे हम एप्पल खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, माना हमारे ऑक्सीजन के लेवल को हमेशा ठीक रखता है। लेकिन अनियन और गार्लिक के अंदर कुछ ऐसे फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट को मार देते हैं, और हमारा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होगी अंदर तो हमारे अंदर वी ए टीयर जल्दी आ जाएगा, सांस फूलने लग जाएगी, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा, और हमारी स्ट्रेंथ लो हो जाएगी, और हमारी बॉडी स्टूमुलेट उससे बहुत होती है, तो वो भी छूट जाएगा। ये साइंटिफिक इसका रीजन है। बाकी और जो बातें हैं, तामसिक उसको माना जाता है, वो तो है ही है। तो शुद्धता, पवित्रता, ब्राह्मण जीवन को पावरफुल बना देता है। जो जितना सोशल बनना चाहता है वो ब्राह्मण जीवन को समझे। इसके बाद लास्ट आता है एंजेलिक स्टेज, हमारा फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता और एक ह्यूमन बीइंग में फर्क क्या है? जैसे कहा जाता है हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस। सो हमारी बॉडी में 2 एलिमेंट हैं जो बहुत वजन वाले हैं, भारी हैं, जिनका वेट है, वो है एक अर्थ, दूसरा है वाटर। सो अर्थ एलिमेंट से हमारी बॉडी का जो स्केलेटन सिस्टम बना है, फ्लैश, बोन्स, सारी चीजें, हमारा स्किन, नेल्स, हेयर, सब कुछ अर्थ एलिमेंट से बना हुआ है। वाटर एलिमेंट से आपका पूरा जो वाटर कंटेंट है, जो किडनी है, यूरिनरी सिस्टम है, सब उसी के साथ बना हुआ है। तो हमारा जो दो ये सिस्टम है, अर्थ और वाटर, ये बहुत भारी है। इसमें 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो बहुत हल्के हैं, उसमें एक फायर है, दूसरा एयर है, तीसरा स्पेस है। तो कहा जाता है जो एंजेलिक बॉडी है, वो जब ये दो कंटेंट निकल जाते हैं, अर्थ और वाटर, तो हमारा एंजेलिक बॉडी ऑटोमेटिक जनरेट होती है, जिसमें फायर है, एयर है, स्पेस है। तो एक बहुत पहले एक बहुत सुंदर एक बुक पढ़ी थी मैंने, और वैसे इसको आपको इसको कनेक्ट नहीं करना है और इसको लेके भी नहीं चलना है कि ऐसा है, लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर बॉडी के एलिमेंट्स को अपनी क्वालिटीज के साथ जोड़ा था। बहुत अच्छा लगा वो सुन के।
उन्होंने कहा अर्थ एलिमेंट अगर किसी का स्ट्रांग है तो पावर को उसको पावर के साथ जोड़ के बता रहा था कि अर्थ एलिमेंट माना पावर, ऐसे वाटर एलिमेंट माना प्यूरिटी, ऐसे उसने बताया फायर एलिमेंट माना जॉय और हैप्पीनेस, एयर एलिमेंट का मतलब लव, ऐसे उसने जो स्पेस एलिमेंट है उसको पीस के साथ जोड़ दिया। तो बड़ा अच्छा इसको जो उसने जोड़ा तो अच्छा लगा कि मतलब पीस और हैप्पीनेस और साथ में आ गया लव। तो जो एंजल होता है, जो फरिश्ता होता है, उसके अंदर ये तीन चीजें होती हैं। वो पीसफुल होता है, शांत स्वरूप बहुत ज्यादा होता है, दूसरा वो बहुत प्रेम से भरा होता है, सबके लिए भाव होते हैं, और वो सुख स्वरूप होता है, एम्बॉडीमेंट ऑफ जॉय, एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस। ये तीन के साथ जो पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, पूरी तरह से इसके साथ बना हुआ है, वो एंजल है। का मतलब इस दुनिया में गलत काम क्यों हो रहे हैं? दो एलिमेंट के लिए हो रहे हैं, या तो अर्थ के लिए हो रहे हैं या वाटर के लिए हो रहे हैं। माना अर्थ का मतलब क्या हुआ? रुपया, पैसा, धन, बच्चे, परिवार, फैमिली, है ना, घर, मकान, फुल टाइम इसके लिए हम बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जो वाटर एलिमेंट है उससे अटैचमेंट की फीलिंग है, का मतलब अटैचमेंट से हमारी एफिशिएंसी लो हो गई है। तो जब बहुत ज्यादा हम किसी भी चीज से अटैच्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा किसी चीज से हम अटैच्ड हो जाते हैं तो हमारी एफिशिएंसी लो हो जाती है। दो एलिमेंट हमसे झूठ बुलवा रहे हैं, हमसे गलत काम करवा रहे हैं। तो जब तक अर्थ और वाटर का मतलब मेरेपन से माना बॉडी से हम बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम एंजेलिक स्टेज को ले ही नहीं सकते। एक एंजल काम करता है और चला जाता है। तो जो जितना ज्यादा से ज्यादा एंजेलिक स्टेज की प्रैक्टिस करता है, उसके अंदर आएगा एडवर्सिटी क्वोशंट, या वो निर्विघन बन जाएगा। तो अगर मुझे निर्विघन स्थिति का अनुभव करना है, एडवर्स सिचुएशन ना आने देना है, तो अधिक से अधिक सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप होने की प्रैक्टिस करनी है। वो फरिश्ता है जो निरंतर बिना शर्त के सुख दे रहा है, जो बिना शर्त के प्रेम दे रहा है, जो बिना शर्त के पीसफुल रह रहा है, उसको कहते हैं एंजल। इसीलिए एंजेलिक स्टेज के लिए सबसे ज्यादा बॉडी को भूलना, इसीलिए बाबा कहते हैं डबल लाइट स्टेज बनाओ। तो जो जितना डबल लाइट है उसके घर में 1% भी विघ्न नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। तो ये पांचों स्वरूप हमारे पांच कोशंट को हील कर देते हैं। पहला, हमारी हेल्थ अच्छी हो गई, निरोगी काया सोल कॉन्शियस से। दूसरा, जितना ज्यादा हमने देवी देवता स्वरूप की प्रैक्टिस की, हमारा इंटेलेक्चुअली हम स्ट्रांग हो गए, विजडम वाले हो गए। तीसरा, जितना ज्यादा से ज्यादा हमने वर्शिप वर्दी या पूज्य स्वरूप की प्रैक्टिस की, उतना हम इमोशनली स्ट्रांग हो गए। और जितना ज्यादा से ज्यादा हमने ब्राह्मण स्वरूप की प्रैक्टिस की, अपने आप को ऐसा शुद्ध और पवित्र देखा, उतना हम सोशली स्ट्रांग हो गए। और जितना हमने एंजेलिक स्टेज की प्रैक्टिस की, जितना ज्यादा से ज्यादा हमने फरिश्ता स्वरूप की प्रैक्टिस की, उतना हम निर्विघ्न होते चले गए, एकदम घर में 1% विघ्न नहीं आएगा। तो ये पांच स्वरूप की नॉलेज, ये है पावर ऑफ नॉलेज। का मतलब बाबा ने हमको कंटेंटेड कर दिया कि देयर इज नो नीड टू गो एनीवेयर, आपको सिर्फ और सिर्फ घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस हमारे जीवन में होती चली जाती है, उतना हम अच्छे से अच्छे बनते चले जाते हैं, और ये हमारी लाइफ का कोर है। सो ऑल इन ऑल क्या है, पूरी चीज को हम एक चीज में सम अप करते हैं। कैसे सम अप करेंगे? हमारी सोल का बेस क्या हुआ? सेवन कोर क्वालिटीज। अगर मैं इन सेवन कोर क्वालिटीज के साथ जीना स्टार्ट हो जाता हूं, तो मैं नॉलेजफुल हूं, तो मैं समझदार हूं,
तो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं, तो मैं कॉन्शियसनेस के साथ जी रहा हूं, तो मैं अवेयरनेस के साथ जी रहा हूं। जितना ज्यादा से ज्यादा मैं इस बॉडी से मर रहा हूं, अपने आप को भूलता जा रहा हूं, उतना मैं हर पल पुण्य का खाता जमा करता जा रहा हूं। क्योंकि इस बॉडी कॉन्शियसनेस से कोई भी कर्म हम करते हैं उससे पाप ही बने हैं आज तक, तभी तो सुकून नहीं मिल रहा है हमको। तो इसलिए नॉलेज को बढ़ाते जा रहे हैं, समझ को बढ़ाते जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। देखो पावर ऑफ नॉलेज क्या कह रहा है, तो 7 कोर क्वालिटीज हमारी इनेट क्वालिटी है, ये हम हैं। इसलिए जितना हो सके इस कॉन्शियसनेस में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, लाइफ बहुत सुंदर और पावरफुल हो जाएगी। सारी चीजों को चूंकि एक दिन में नहीं बताया जा सकता, लेकिन 1 सेकेंड 1 मिनट की हम एक प्रैक्टिस करके फिर इसको सम अप करते हैं। सभी स्ट्रेट बैठेंगे जहां भी हैं, अपने आप को छोटा सा एक थॉट देंगे कि आई एम अ सोल, मैं एक पीसफुल सोल हूं। इसकी समझ, इसकी अंडरस्टैंडिंग परमात्मा ने मुझे दी, मुझे बताया कि आप एक आत्मा है, एक रूह है, एक प्राण है, एक लाइट है। तो मैंने अपने आप को हल्का कर लिया, और जैसे मैं इस कॉन्शियसनेस में आया, मुझे फील हो रहा है कि मेरा शरीर भूलता जा रहा है। मुझे याद करना है, अपने आप को याद दिलाना है कि तुम समझ हो, तुम प्यूरिटी हो, तुम पीस हो, तुम लव हो, तुम हैप्पीनेस हो, तुम ब्लिस हो, तुम पावर हो, हम ही हैं। इसको आउटर वर्ल्ड से मुझे लेने की जरूरत नहीं है, ये मैं हूं। तो दिस इज व्हाट इट इज और दिस इज फ्रॉम माय साइड। ओम शांति।